किडनी हमारे शरीर का एक फिल्ट्रेशन ऑर्गन है। हम जो कुछ भी चलते फिरते हैं, काम करते हैं, इवन जब हम सांस लेते हैं, दिल धड़कता है, तो ये एक तरह से एक मशीनरी हमारे अंदर चल रही है। इस मशीनरी के चलने से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होते हैं और उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर निकालने का काम, हमारे ब्लड को फिल्टर करने का, छानने का काम किडनी करती है। और ये वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं यूरिन के अंदर मिक्स होके और बाहर शरीर से निकाल दिए जाते हैं। बड़े वेग से सिम्टम्स होते हैं, जैसे भूख ना लगना, कमज़ोरी हो जाना, उल्टियाँ आना और कभी शरीर में खुजली होना, हिचकियाँ आना, ये इस तरह के सिम्टम्स हैं, इस तरह के लक्षण हैं। इसके अलावा शरीर में पानी की कमी हो जाना, कई बार लूज़ मोशन हो जाते हैं, वॉमिटिंग्स होती हैं, कई और वजहें होती हैं जिनसे कि शरीर में पानी की कमी हो जाए, इससे गुर्दे को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी जिससे गुर्दा या किडनी ख़राब होती है वो है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। तो जाहिर है कि अगर हमें गुर्दे को स्वस्थ रखना है तो ज़रूरी है कि हम अपने ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को हमेशा कंट्रोल में रखें, ओवरवेट कभी ना हो, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये दोनों बीमारियाँ प्रेसिपिटेट होती हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं जिनमें से एमिनोग्लाइकोसाइड ग्रुप होता है एंटीबायोटिक का, पेन किलर हैं, उनका एक्सेसिव यूज़ किया जाए तो किडनी ख़राब होती हैं। डाइट से इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इवन पालक और टमाटर जो स्टोन के लिए हमेशा मना किए जाते थे, उनके ऊपर भी काफ़ी रिसर्च हुई है और ये देखा गया है कि इनके रेस्ट्रिक्शन से भी, इनकी मनाही से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किडनी के लिए मेनली पानी ज़रूरी है। किडनी की पथरी ज़्यादातर तो अनुवांशिक कारणों से, हेरिडिटी की वजह से होती है। हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को हमेशा घोल के और यूरिन में निकाल देती हैं। कुछ उन तत्वों की कमी हो जाने की वजह से या वांशिक रूप से, हेरिडिटी के रूप में हमारे अंदर वो चीज़ नहीं होती कि हम कुछ सॉल्यूट्स को पूरी तरह डिसॉल्व कर सकें। जब वो यूरिन में डिसॉल्व नहीं होते तो क्रिस्टल के फॉर्म में आने लग जाते हैं, और अगर हम पानी नहीं पीते तो वो क्रिस्टल एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और पथरी बन जाती है। एक बार पथरी बन गई तो ये जनरली सिर्फ किडनी के अंदर जब तक होती है तो कभी कभार हल्की फुल्की दर्द कर सकती है या पेशाब में खून आ सकता है। अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए, इस दर्द को, या इसको पूरी तरह तहकीकात नहीं की जाए, तो पथरी चुपचाप एक जगह पे अड़के और धीरे धीरे किडनी ख़राब करती रहती है। जब भी प्रेगनेंसी हो उससे पहले किडनी हमारी बिल्कुल सही होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, तभी प्रेगनेंसी को इनवाइट किया जाए। तो प्रेगनेंसी में किडनी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ये इस सारे शरीर को पानी में, पानी को सर्कुलेशन में रखती है और प्रॉपर फिल्ट्रेशन करती है।